जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना, सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इबलीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इबलीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया, बस यहां से निकल जा, तू मर्दूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको बहकाता रहूंगा सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदे हैं। फरमाया, ठीक है, और मैं ठीक ही कहता हूं कि मैं तुझसे और जो इनमें से तेरी पैरवी करेंगे सबसे जहन्नम को भर दूंगा। ऐ पैगंबर, कह दो कि मैं तुमसे इसका सिला नहीं मांगता और न मैं बनावट करने वालों में हूं। ये कुरान तो अहले आलम के लिए नसीहत है और तुमको इसका हाल कुछ वक्त के बाद मालूम।